हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज से एक नया सीरीज 11th क्लास के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली लॉकडाउन के वजह से आप में से बहुत से स्टूडेंट होंगे जो जस्ट अभी 10th के एग्ज़ाम देने के बाद उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम करें क्या घर में बैठे बैठे, और बहुत जगह अगर ऑनलाइन वो एडमिशन वगैरह लिए भी होंगे तो बहुत सा विद्यार्थी को शायद उनको समझने वगैरह में दिक्कत होता। तो आज से एक न्यू प्लान को लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। जो लोग भी बोर्ड 10th बोर्ड एग्ज़ाम देकर के घर में बैठे हुए हैं, वो सारे लोग जो हैं 11th का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट करते हुए पढ़ाएंगे। लेकिन कोर्स आगे पढ़ाने के पहले हम आपको कुछ स्ट्रैटजी सिखाते हैं, सिलेबस वगैरह ये सब के बारे में हम लोग पहले जानकारी बेहतर ढंग से ले लें। पहले तो आप ये जानें कि आपका जो पूरा फिजिक्स उसको दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। एक 11th हो गया और दूसरा हो गया 12th। ये जो 11th पोर्शन है इसमें आप पढ़ेंगे मैकेनिक्स, जिसको जनरल फिजिक्स भी बोलते हैं। इसके अलावा आप पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स बोलें या साउंड वेव्स, ये हम लोग तीन टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, आप पहले जानें पूरे फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो कंटेंट है वो मैकेनिक्स का है, जनरल फिजिक्स का है। और मैकेनिक्स जो है वो जस्ट लाइक वो बैकबोन है फिजिक्स का। अगर मैकेनिक्स आपको बहुत बेहतर आता है तभी आपको फिजिक्स बेहतर आ सकता है। और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी पोर्शन से पूछा जाता है, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग भी होता है। मैकेनिक्स बेहतर समझने से आगे के पोर्शन समझना बहुत आसान हो जाता है। और 12th में हम लोग 10 यूनिट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, वो आगे हम लोग समझेंगे। फिलहाल हम लोगों को 11th का जो पोर्शन है उसको पढ़ना है। तो रणनीति कैसे बनाएं, तैयारी कैसे करें, कौन सा बुक स्टडी करें? तो होता क्या है कि जो जब आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने में आपके पास बहुत उत्साह होता है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाता है वो थोड़ा थोड़ा जो है आप पे लोड बढ़ते जाता है। बाद में जब 5 चैप्टर, 10 चैप्टर और हर सब्जेक्ट में जब ढेर सारे चैप्टर्स को आप पढ़ लेते हैं तो धीरे धीरे जो है लोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप पूरे अपने होमवर्क को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, या थोड़ा डिस्ट्रैक्शन वगैरह भी होने लगता है, आप स्ट्रेस फील करने लगते हैं। तो अब इस स्ट्रेस को हम कैसे मिनिमाइज करें, कैसे कम से कम करें? एक बात जानो, जीवन में कुछ भी बेहतर पाने के लिए, बेहतर करने के लिए हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ तनाव तो लेना ही पड़ता है। ये स्ट्रेस हर कोई को होता है, लेकिन जो होशियार लोग हैं, समझदार लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो लोग जो है अपने काम के रणनीति के द्वारा अपने तनाव को कम कर लेते हैं। जैसे तुम ऐसे समझो, तुम्हारे पास 10 ठो वर्क दिया गया है। अब 10 वर्क में से तुम यही सोच सोच के परेशान हो कि 10 ठो काम है, 10 ठो काम है, लेकिन अगर एक एक काम को धीरे धीरे निपटाते जाएं, मतलब हमारा टारगेट ही पहले हम छोटा कर ले, पहले सोचे कि चलो ना 2 को करते हैं, 8 के बारे में बाद में सोचेंगे। तो जब हम लोग बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए सोचते हैं तो उसके लिए एक छोटा छोटा टारगेट बनाते हैं, है ना। जैसे समझो कि तुमको 50 किलोमीटर पैदल जाना है, तो माइंड में ये सोचो कि मुझे जो है 5 किलोमीटर जाना है, या वो भी नहीं 2 किलोमीटर जाना है।
2 किलोमीटर जाओ, फिर 2 किलोमीटर का एक टारगेट बनाओ, और इस तरह से तुम देखोगे कि एक लंबा डिस्टेंस कवर कर लिए जो शायद हम कल्पना नहीं कर सकते थे, सोच नहीं सकते थे। तो कोई भी काम में रणनीति का, स्ट्रैटजी का बहुत महत्व होता है। देखो, व्यक्ति सक्सेसफुल केवल टैलेंट से नहीं होता है। आपके पास बहुत टैलेंट हो लेकिन टैलेंट को एग्जीक्यूट करने का कोई क्षमता ही नहीं हो, तो सक्सेसफुल बनने के लिए जितना टैलेंट की ज़रूरत है उतना ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, उतना रणनीति की ज़रूरत है, उतना ज़्यादा डेयरिंग पावर, साहस और हिम्मत की ज़रूरत है। बहुत बार लोग जो हैं वो साहस ही नहीं जुटा पाते हैं कि अरे 100 चैप्टर पढ़ना है, तो 100 चैप्टर फिजिक्स में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, मैथ में पढ़ेंगे, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी वगैरह वगैरह, और उस सोच के ही घबरा जाते हैं कि नहीं भाई मेरे से तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ रणनीति हम आपको सिखाएंगे भी जिससे आपका काम बहुत आसान होगा। एक बात तो समझ लेना कि अगर जो कुछ भी तुमको पढ़ाया जा रहा हो और वो पढ़ाई तुमको स्पष्ट समझ में आ रहा हो, तो समझ लो कि पहला जो है स्टेप तुम वहीं पर विन कर गए, वहीं पे जीत गए हो, क्योंकि बात तो तुम्हें क्लियर समझ में आ रही है। अब रही बात, देखो ज़्यादातर लोग जो पूरे सब्जेक्ट टॉपिक को समझे हुए भी होते हैं, जैसे तुम अपने घर में, गांव में, अगल बगल लोगों के बीच देखते होगे कि बहुत से लोग जो हैं इंटेलिजेंट तो थे लेकिन उनका रिजल्ट वैसा रिफ्लेक्शन नहीं किया कि जो बता सके कि नहीं ये वाकई में बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं। और कुछ लोग जो बहुत इंटेलिजेंट दिखते नहीं हैं लेकिन उनके लाइफ में परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होता है, अब उसको तुम अलग अलग ढंग से एनालाइज करने लगते हो कि नहीं भाई उसका तो लक था, उसका ये था, उसको ये था, तो ऐसे करने से वर्क नहीं होता। देखो, हर सक्सेसफुल व्यक्ति को काम करने के अगर तरीका को देखोगे तो उसके पास जितना टैलेंट है कहीं उससे बेहतर उस टैलेंट को एग्जीक्यूट करके इम्प्लीमेंटेशन में लाने का वो क्षमता रखता है। फिर ये भी जानना है कि हम अपने जो भी टाइम है, जो हमारे पास स्ट्रेंथ है, पढ़ने की क्षमता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। अब जैसे सपोज करो तुझे अगर फिजिक्स टफ लगता है तो फिजिक्स टफ लगता है और मुझे केमिस्ट्री थोड़ा आसान लगता है, सपोज करो, मान लो अलग अलग भी हो सकता है, तो कोशिश करेंगे कि हम इस टॉपिक पे कुछ ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन अब तुमको एक बात बता रहे हैं कि जो लोग इंटेलिजेंट होने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हुए उनके बारे में, उनके साथ दिक्कत क्या हुआ कि पढ़ते समय क्लास में सब समझे, सब बात ठीक था, लेकिन उन्होंने रिवीजन करने के लिए वो लास्ट के कुछ आवर्स रख लेते हैं, कुछ डे रख लेते हैं, 5 दिन 10 दिन, और उसमें उनको इतना स्ट्रेस हो जाता है कि पढ़ा हुआ बात भी वो भूल जाते हैं और उस तनाव में वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं। तो देखो, रणनीति कैसे बनाना है। जैसे मान लो पढ़ रहे हैं, बात भूलते जा रहे हैं, एक बहुत ही बढ़िया मेथड है, ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी अच्छा तरीका होगा ना तो वो तुमसे कुछ मेहनत भी करवाएगा। अब ये नहीं कि अब हम तुमको बोल दें कि चलो भाई ये कैसा टैबलेट है, कैसा जड़ी बूटी है, कैसा दवा है कि जो दे देंगे तुम डायरेक्ट सफल हो जाओगे, हम आशीर्वाद दे दिए तुम सफल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने को। जो होना है वो तुम्हारे मेहनत से और मेहनत करने के तरीका से होना है। हमेशा याद रखना, महान लोग कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते हैं बल्कि वो साधारण काम को भी महान तरीके से करते हैं, बस उनका काम करने का तरीका अलग होता है। वही काम दूसरा कोई भी कर रहा, वही काम वो भी कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति बहुत सफल और एक व्यक्ति के हाथ कोई सफलता नहीं हासिल होती। तो अपने काम करने के तरीका में महानता को लाना है। जैसे तुम एक जनरल बात करो, बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ एक प्रॉब्लम, भाई पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, मेरा क्या यही समस्या है, अब क्या हम पढ़ें, 1 महीना तो पढ़े थे सब बात भूल गए। तो एक बात तो जानना, जो बात तुम पढ़ लिए हो ना उसको पूरी तरह से तुम कभी नहीं भूलते। जैसे याद करो, अभी तुम 10th क्लास का एग्ज़ाम दिए, जब नर्सरी में तुम कहीं एडमिशन लिए होगे, स्टैंडर्ड 1-2 में किसी के साथ रहे होगे, तो उसमें से जो तुमको बार बार मिलते रहा उसका चेहरा तो याद है, हो सके नर्सरी में तुम कोई और स्कूल में होगे, बाद के समय अपने स्कूल चेंज कर लिए होगे,
तो जो पहले वाले स्कूल में थे वो सारे बच्चों का चेहरा तुमको नहीं याद होगा, लेकिन जो तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल में आया होगा या तुमसे बीच बीच में मिलते रहा होगा तुम उस उनको याद रख पाते हो, लेकिन बाकी लोग सारे जो है वो तुम्हारे मेमोरी से ख़त्म हो जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है कि अगर हम कोई भी चीज़ को अगर बीच बीच में देखते नहीं रहें तो बहुत चांस होता है कि वो मेमोरी से बाहर चला जाए। लेकिन बहुत बार तुम ऐसे भी देखते होगे कि किसी को चेहरा देखें और लगता है कि हाँ इसको कहीं देखे हैं, फिर तुम पूछे कि अच्छा एक बात बताइए आप फलाने स्कूल में थे क्या, बोला हाँ हाँ, तो अरे हम ये वही याद कर रहे हैं, तो देखो तुम उसको देखे हो तो रिकॉल कर पाए। तो वैसे ही जब तुम चीज़ों को पढ़ते हो अगर बीच में बहुत रिवाइज नहीं किए तो जब दोबारा उसको पढ़ते हो तो तुम रिकॉल कर पाते हो, तुमको थोड़ा टाइम लगता है बैलेंस होने में, वो पूरी तरह से जीरो नहीं हो जाता, वो डिलीट नहीं हो जाता है, लेकिन मेमोरी से गायब ना हो तो उसके लिए क्या रास्ता अपनाएं, कौन मेथड अपनाएं। देखो मैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ जो चमत्कारिक हैं, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हैं, जो ब्रिलियंट हैं, मैं उनके लिए बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो हर हालत में पढ़ लेंगे, उनको मैं पढ़ाऊँ कोई पढ़ाए नहीं पढ़ाए शायद वो बुक से पढ़ लें अलग अलग माध्यम से पढ़ लें, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक साधारण स्टूडेंट रहा हूँ और मैं केवल उन लोगों का बात कर रहा हूँ कि आप साधारण भी हैं तो दिन रात मेहनत करेंगे आप बहुत सफल होंगे, उसमें आपका कार्य करने का जो तरीका है, अपना रणनीति बनाने का जो तरीका है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हम पढ़ें उसको याद कैसे रखें। ये केवल हम तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे हैं, जो ट्वेल्थ के भी बच्चे हैं वो किसी भी आर्ट पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैं सारे लोगों के लिए बोल, और ये मैंने अपनाया है अपने लाइफ में, इसको अपनाया। क्योंकि आज फर्स्ट डे है तो मैं अभी सब्जेक्ट पे ना आकर के तुम लोगों के लिए कुछ अन्य बातों को बता रहे हैं कि जिससे कि तुमको रणनीति बनाने में हेल्प मिले। तो आगे जो बताने जा रहे हैं उससे आपको स्ट्रैटजी बनाने में, रणनीति बनाने में आपको बहुत मदद मिलेगा। जैसे हम बातों को कैसे न भूल पाए, ठीक है अब कुछ बात तो देखो स्वाभाविक तौर पे है, ऐसा कोई नहीं होता है, सारे लोगों के लिए पढ़ते हैं भूलते हैं ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसको कोई ऐसा नहीं जोड़ना है कि तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम हो, लगभग सारे लोगों के साथ, लेकिन उसको हम ज़्यादा दिनों तक कैसे याद रख सके। और ये जो मैं उपाय तुमको बताने जा रहा हूँ ये उपाय मैंने खुद पे किया है, मतलब ये मैंने किसी व्यक्ति से सीखा नहीं है, मेरे लाइफ का जो है ना वो एक्सपीरियंस है और ख़ास करके मेरे 10th क्लास का अनुभव है, जब संस्कृत जैसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मुझे बहुत याद नहीं होते थे और बहुत हम परेशान रहते थे कि क्लास में टीचर का एक्सपेक्टेशन मेरे से बहुत ज़्यादा होता था और हम बहुत अच्छा चाहते भी थे कि बन करके दिखाएं और अन्य बच्चों से हम आगे निकल करके दिखाएं, लेकिन दिक्कत क्या होता था पढ़ते थे भूल जाते थे, बहुत स्ट्रेस हो जाता था। लेकिन हमने कुछ रणनीति अपनाया और देखो वो रणनीति क्या है, रणनीति थोड़ा मेहनत से जुड़ा हुआ है लेकिन ध्यान से अगर समझोगे ना तो बहुत मेहनत से भी जुड़ा हुआ नहीं। वैसे तो जीवन में हर चीज़ जो बेहतर करना है वो मेहनत और डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है, वो उससे तो इनकार करने का कोई बात ही नहीं है। मैं ऐसा कोई मंत्र नहीं बता दूंगा कि बस स्विच दाबो और तुम्हारा सफलता मिल जाए। जैसे मान लो तुम आज पढ़े, आज मैं तुमको वेक्टर पढ़ाना शुरू किया, आज फर्स्ट डे हम पढ़ाए, सपोज करो वेक्टर का डिफिनीशन पढ़ाए, एडिशन ऑफ टू वेक्टर सिखाए, अब जब अगले दिन तुम आए तो हम उसको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाए, सपोज करो डॉट प्रोडक्ट पढ़ाए, उसका एप्लीकेशन बतलाए, अब क्या होगा कि तुम जो जब सेकंड क्लास करने आ रहे हो तो उस दिन फर्स्ट क्लास को जरूर एक बार दो बार देख लो बढ़िया से, तुमको आता भी हो तब भी कोई बात नहीं, तुम कहोगे ना मुझे तो सब याद है फिर भी देख लो। अब चलो जब तीसरा क्लास में तुम पढ़ने आ रहे हो तब तुम पहला क्लास को भी देखो, दूसरा को भी देखो और तीसरा तो पढ़ ही रहे हो, और इस तरह से हम 10th क्लास तक जाएं तो इसको कंटिन्यू करना है। जैसे
दसवां क्लास जब हम ले रहे होंगे तब भी तुम पहला क्लास से रिवीजन करो, पहला पहले पढ़ेंगे फिर दूसरा पढ़ेंगे, ऐसे ही करते करते दसवां तक पहुँचेंगे। अब तुम्हारे माइंड में आएगा कि सर अभी 10-10 क्लास का हम रिवीजन कैसे करेंगे, तो बिल्कुल एकदम बहुत छू मंतर है। देखो कैसे, जब तुम तीसरा क्लास को कर रहे होगे तो पहला क्लास दो बार पढ़ चुके होगे, दो बार रिवीजन हो गया होगा। जब तुम पांचवां क्लास पढ़ रहे होगे तो पहला क्लास चार बार रिवीजन हो चुका है, आठवां क्लास पढ़ रहे तो पहला क्लास सात बार रिवीजन हो। सोचो जब एक ही बात को तुम पांच बार सात बार देख लिए हो तो उसको रिवीजन करते समय केवल पेज उलटना पड़ेगा, देखोगे और लगेगा हाँ याद है। जैसे मान लो अभी हम तुमसे बोले सुनो जी a+b का होल स्क्वायर याद करके आना, हम तुमसे बोलें a से z तक ABCD लिखो, तुमको क्या लगेगा अरे छोड़िए ना वो तो हम कहीं से पूछे हम बता देंगे। क्यों? क्योंकि इतने बार तुम रिवाइज किए हुए हो कि वो कहीं से भी तुमको कोई आंख बंद भी कर देगा तो तुम आराम से लिख दोगे। तो वैसे ही क्या करना है कि पहला चैप्टर अगर मान लो 9 बार मेरा, जब हम 10वां चैप्टर पढ़ेंगे तो पहला चैप्टर के रिवीजन में मेरा मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। इसलिए मैंने पहला क्लास का रिवीजन में मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, क्योंकि तुमको पेज उलटने में जो टाइम लगेगा, पेज उलटोगे नहीं नहीं ये तो ठीक है, दूसरा भी तुम ऑलरेडी 8 बार पढ़ चुके हो, तीसरा भी 7 बार पढ़ चुके हो, तो धीरे धीरे जो भी होगा तुम्हारा टाइमिंग घटते जाएगा। और मेन फोकस तुम्हारा जब 10वां क्लास रिवाइज करोगे तो तुम्हारा मेन फोकस हो जाएगा 7वां 8वां 9वां 10वां पर, यानी 4 क्लास से ज़्यादा का मेन फोकस कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि पहले वाला बात जो है ना वो इस तरह से याद हो जाता है कि फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। ये काम जो है ना हमेशा हर सब्जेक्ट में करो, ठीक है ये थोड़ा मेहनत से जुड़ा हुआ है लेकिन हम बता रहे हैं ना कि तुम अगर साधारण स्टूडेंट भी हो तो तुम्हारा रिजल्ट असाधारण आने वाला है, तुम लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हो और जब तुम करोगे तुम कहोगे भी। और बहुत से बच्चे ये अनुभव हमको सुनाए हैं, बताए हैं कि सर आपने जो स्ट्रेटजी बतलाया ठीक है, हम कुछ बच्चे तो 100% उसको कोशिश किए, कुछ बच्चे थोड़ा कम कोशिश किए, लेकिन जो लोग भी कोशिश किए वो बहुत अच्छा गेन किए। तो इस रणनीति को कभी मत भूलना। बीच बीच में हम बहुत सारे बात बतलाएंगे कैसे हम प्रिपरेशन कर कैसे क्या करें। देखो होता क्या है कि अभी तक 9th-10th क्लास तक में तुम लोग जो फिजिक्स पढ़ते हो वो एक्चुअल में फिजिक्स कम वो लिटरेचर ज़्यादा हो जाता है। जैसे तुम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने लगते हो, क्या भाई न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, तो बस आंख बंद कर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन। देखो ये सब मीनिंगलेस बात है, ये ठीक है तुमको बात स्टेटमेंट याद है, इस पर मार्क्स भी मिल जाएगा, लेकिन मुझे प्रॉपरली समझना पड़ेगा कि ये न्यूटन सेकेंड लॉ है क्या। तो ये फोर्स निकालने का मेथड है, तो फोर्स कैसे निकाला जाता है मतलब समझना। हम कहना ये चाह रहे हैं कि अब केवल लिटरेचर से काम नहीं चलेगा, अब उसके कंसेप्चुअल पार्ट पे जाना पड़ेगा और अब ज़्यादा डेप्थ में मुझे जाना है। तो फिजिक्स में क्या होता है कि 2 पार्ट होता है, एक थियोरिटिकल होता है और एक न्यूमेरिकल पार्ट होता है। जहाँ तक सवाल थियोरिटिकल पार्ट का है तो तुम ज़्यादातर स्टूडेंट से पूछोगे ना तो बोले नहीं नहीं मेरा थियोरी क्लियर है, मुझे थियोरिटिकल पार्ट में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही तुम आओगे न्यूमेरिकल पार्ट पे तो बहुत सा बच्चा कहेगा न्यूमेरिकल में ही बहुत दिक्कत है। और एक बात जानते हो कि नहीं, 11th-12th के एग्ज़ाम में तो थियोरेटिकल पोर्शन आएगा, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाओगे तो 100% न्यूमेरिकल्स ही रहेगा। यानी बिना न्यूमेरिकल्स बनाए अगर तुम फिजिक्स को पढ़े तो समझ लो कि तुम्हारा कंसेप्ट बहुत बेहतर होने वाला नहीं है। ये ठीक वैसे ही बात है कि एक आदमी बिना पानी में गए तैरने का मेथड सीख रहा है ना, वो ऐसे उसको कोई सिखाया कि देखो तैरते कैसे हैं, तो बस पानी में चले जाओ एक बार हाथ पटको पांव पटको और इस तरह से हम तैरने लगे, आ नहीं हो तो रुको हम तुमको तैर के दिखाते हैं। अब तुम्हारा कोई गुरु मिला वो अपने नदी में कूद गया खूब तैर तैर के दिखा रहा, कहा कि बोलो अब तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, और तुमको कह दिया कि अब ऐसे ही तुमको भी करना है जाओ नदी में कूद जाओ, तो कूदोगे तो बस डूबने के अलावा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। सीखने का ये तरीका है ही नहीं। तुम सिंपल वे में सोचो,
तुम में से ज़्यादातर स्टूडेंट साइकिल तो कम से कम चलाना सीखा होगा। तुम साइकिल चलाना कैसे सीखा था? क्या तुमको ऐसे कोई लिख के दिया कि भाई सीट पे बैठना है, पैडल लगाना है, आगे देखना है, अब चलते जाओ इधर लेफ्ट इधर राइट, ऐसे क्या ऐसे तुम सीखे थे? बिल्कुल नहीं। ऐसे सीखने से कोई मतलब नहीं। हाँ, तुमको एग्ज़ाम में नंबर आ जाएगा। तुमने एग्ज़ाम में आया साइकिल चलाने का मेथड लिखो, तुम खूब बढ़िया से डिटेल में, जो आदमी कभी चलाया नहीं है वो भी लिख देगा। लेकिन तुम सोचो जब पहला बार बैठा साइकिल, कभी इस पार कभी उस पार, पूरा रोड छोड़ करके पोल ही से जाके टकरा जाए, ऐसा क्यों होता था? आखिर हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बस इतना याद रखना कि कोई भी थियरी को, कंसेप्ट को सीखने के लिए उसका इम्प्लीमेंट में लाना ज़रूरी होता है। जब तुम यूज में लाते हो तब धीरे धीरे उसको बेहतर ढंग से सीखते हो। यानी याद रख लेना, बहुत से लोग तुमको बोलेंगे ना, कंसेप्ट क्लियर हो न्यूमेरिकल अपने आप बनता है, थियरी क्लियर हो न्यूमेरिकल अपने आप बनता है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। हाँ, ये जरूरी है थियरी क्लियर होना चाहिए। थियरी क्लियर नहीं हो तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ये गारंटी है। लेकिन थियरी क्लियर हो तो न्यूमेरिकल बनेगा, ये जरूरी नहीं है। उसके लिए उसको यूज में बारी बारी से एप्लीकेशन करना पड़ता है, ठीक ना? जैसे ठीक वैसे ही कि तैरने का विधि तुम जानते हो, सब लिख लिए हो, समझ लिए हो, लेकिन जब तक तुम कभी 4 फीट में, 8 फीट में, अलग अलग डेप्थ में जा करके तैरोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो एक ही बार में तुम समंदर और नदी पार करने वाले नहीं हो। तो चलो, ये तो बात इससे हम रिलेटेड बतलाए तुमको कुछ कि कैसे तुम रणनीति को बनाओगे। अब तुमको कुछ और बात सिखा रहे हैं। वो सेकेंड बात जो है कि भाई बुक्स वगैरह कैसे पढ़े, है ना? बहुत बार तुमको लगता है ना कि ठीक है लॉकडाउन पीरियड है, घर में बैठे हुए हैं तो थोड़ा बुक्स पढ़ लेते हैं। और सबसे मेजर तुम्हारा प्रॉब्लम है कि बुक पढ़ते हो तो कुछ समझ ही में नहीं आता कि करें क्या, क्या कहना चाहता है। ज्यादातर बुक में तुम्हारा प्रॉब्लम यही है। मैथमेटिक्स वगैरह में तो थोड़ा बहुत सॉल्ड एग्जाम्पल देख करके आगे पीछे करते भी हो, फिजिक्स वगैरह में तो जनरली ऐसा हो नहीं पाता है। और कोई भी बुक्स इतने प्लेन वे में नहीं लिखे हुए हैं कि तुम एकदम पढ़ो, एकदम आगे बढ़ते जाओ, स्टेप वाइज तुमको हर बात समझ में आते जाए। अगर ऐसा होता तो बहुत से बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, कोचिंग, टीचर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो देखो, अब जो है तुम जब कौन बुक पढ़े, तो वैसे तो जो प्रॉब्लम्स वगैरह बेहतर ढंग से बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम सब जो है एक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स करके बुक आता है, जिसके राइटर जो हैं SC वर्मा हैं, जो कभी पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर भी थे और IIT कानपुर में रहे और अब तो रिटायर कर गए हैं सर। बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व और बहुत अच्छे ढंग से अपने बातों को लिखने वाले। ये अलग बात है कि बुक पढ़ोगे तो शायद वहाँ भी दिक्कत हो, लेकिन जब मैं तुम्हें जो टॉपिक पढ़ा दूंगा उसके बाद तुम कोई बुक पढ़ोगे तो तुमको दिक्कत नहीं होने वाला। यानी कि टीचर का मार्गदर्शन की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है, जो एक तुम्हारा NCERT का टेक्स्ट बुक है वो तो देख ही लेना चाहिए, उसको तो पढ़ना ही चाहिए। उसका कंटेंट थोड़ा कम रहता है, प्रॉब्लम्स कम रहता है, लेकिन फिर भी एक बढ़िया बुक है, प्रैक्टिस करने के भी उससे बढ़िया बुक है। अब रही बात, जैसे मान लो थोड़ा हायर स्किल के, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरे इंस्टीट्यूट वगैरह वगैरह, कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह का जैसे असाइनमेंट वगैरह है, क्वेश्चंस वगैरह है, Level 1, Level 2 ऐसे करके अपना जो जिस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना बनाएं, वो और भी अच्छा है। अगर मान लो एक मिनट के लिए कि तुम बिल्कुल न्यूमेरिकल बनाने में असहाय महसूस करते हो, दिक्कत महसूस करते हो, तो आगे हम ये भी बतलाएंगे कि तब तुम किस लेवल के बुक पे प्रैक्टिस करो। कुछ और भी थोड़ा लेवल डाउन करके सिंपल बुक पे जाएंगे। और धीरे धीरे एक चीज़ याद रखना हमेशा लाइफ में, जैसे तुमको ये लगेगा कि सर आप जो रणनीति बता रहे हो बहुत थोड़ा टाइम टेकिंग है और ये बनाएंगे, समझो मान लो एक मिनट के लिए कि तुम
11, 12 का प्रिपरेशन किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन किया, सपोज करो तुम अच्छा प्रिपरेशन तो किए, लेकिन शायद तुम्हारा स्कूलिंग बहुत वीक था, बहुत बात को हम समझे नहीं, समझे जरूर लेकिन 100% नहीं समझे, और तुम थोड़ा स्लो रेट से आगे बढ़ रहे हो, घबराना मत। लोग जो है ना जीवन में तुम्हारे सफलताओं को काउंट करते हैं। यानी अगर मान लो एक मिनट के लिए कोई व्यक्ति IIT का एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट टाइम नहीं सिलेक्ट हुआ, सेकंड टाइम नहीं सिलेक्ट हुआ, मान लो थर्ड टाइम वो सिलेक्ट हुआ, सपोज करो कोई मेडिकल का एग्ज़ाम दिया, UPSC का एग्ज़ाम दिया, इस तरह से जो भी उसमें चांसेज मौजूद हों, जितना एक दो चांस, चार चांस, अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग चांसेज हैं, मान लो कोई व्यक्ति चौथे चांस में वो मेडिकल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाया, क्या जब वो 5 साल के बाद डॉक्टर बनेगा, हो सके उसका कोई फ्रेंड जो है 12th करने के 5 साल के बाद डॉक्टर बन गया हो, और वो 12th करने के 8 साल के बाद डॉक्टर बना मान लो, तो क्या जो 8 साल के बाद डॉक्टर बनेगा वो अपने नेम प्लेट पर क्या लिखेगा कि फलाना कुमार और चौथे बार में मेडिकल पास किए थे, ऐसा लिखता है क्या? बिल्कुल नहीं, सीधे लिखेगा डॉक्टर समथिंग कुमार। उसमें ये नहीं लिखा रहता है कि वो कितने चांस लिया। यानी दुनिया जो है ना तुम्हारे यश और कृति को याद रखता है, तुम्हारे सफलताओं को याद रखता है, तुम्हारे जो असफलता है वो सफलता उसको आके ढक देता है, वो सारे अवगुणों को ख़त्म कर देता है। इसलिए रुकना मत और घबराना मत। ठीक है, हो सके तुम्हारा कोई फ्रेंड इस साल सक्सेस किया हो, तुम हो सके अगले साल करोगे, हो सके एक साल बाद और करोगे या कोई और फील्ड में करोगे, लेकिन अगर तुम घबरा गया, मैदान छोड़ दिया, तब तो गारंटी हो गया कि तुम सफलता पाने वाले नहीं हो। बस सफलता का एक ही मंत्र है, वो क्या है, बस मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। यानी कि 1000 बार पटकाने के बाद भी तब तक हम हारे हुए नहीं हैं जब तक हम लड़ने का जज्बा छोड़े नहीं। जो लड़ने का जज्बा छोड़ देता है उसको हारा हुआ कहते हैं। यानी तुम समझ लेना कि तुम एक ही बार में अपने आप को ये मत मान लो, ये नहीं सिलेक्शन हुआ अब क्या करें, अब तो मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, बिल्कुल नहीं, चल सेकेंड अटेम्प्ट लेंगे, पता नहीं कहाँ से क्या सफलता है। और नहीं तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना दुनिया में, बहुत ज़्यादा सफल रहे हैं, देखना वो जीवन में कभी ना कभी बहुत बहुत ही मतलब बहुत बड़े ढंग से वो असफल भी हुए। माने जिनकी असफलता बहुत बड़ी रही है वही जब दोबारा से दृढ़ निश्चय किए, संकल्प लिए, तो उन्होंने ही बहुत बड़ी सफलता भी हासिल करके दुनिया को दिखाई है। इसलिए अपने देखो साधन सुविधा केवल वही मतलब नहीं रखता है। बहुत बार जो है ना तुम में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे सोचता है, भाई मेरे फ्रेंड के पास तो ऐसा फ़ोन है, मेरे फ्रेंड्स के पास तो ये गाड़ी है, उसके घर में तो ये व्यवस्था है, तो क्यों नहीं पढ़ेगा। एक बात याद रखना, जिनके पास जितने ज़्यादा साधन होता है उनका डिस्ट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होता है। इसलिए साधन जो है कोई ज़रूरी नहीं कि सब कोई बेहतर ढंग से यूज ही करे, इसलिए उन बातों को फिक्र मत करना। हाँ नहीं हो तो बहुत बढ़िया से जॉर्ज वाशिंगटन के, मुंशी प्रेमचंद के, इन सारे लोगों को थोड़ा सा जीवनी कभी पढ़ लिया करो, APJ कलाम के जो तुम्हारे देश के इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, एक आध बार उनके जीवनी पढ़ लो, ठीक ना। अग्नि की उड़ान उनकी एक बुक आती है, एक बार पढ़ लो, तुम देखो कि कैसे जो है एक व्यक्ति कितने विषम परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में और रूरल एरिया में रहने के बावजूद भी अपने लाइफ में सफलता के कौन से सीढ़ी को गेन किया। इसलिए उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, अपने स्टडी पे फोकस करना है और अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। तुम हर दिन सोचो कि हम अपने लक्ष्य की ओर कितना अग्रसर हुए हैं, क्या मुझे कोई रणनीति और बदलना है क्या,
और कैसे काम करें कि और बेहतर कर सके। तो चलो अब हम जो आते हैं सब्जेक्ट पे आते हैं। तो बुक्स वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिए हैं, आगे भी इन्फॉर्मेशन देंगे और आप लोगों को कुछ असाइनमेंट वगैरह भी दिया जाएगा, क्वेश्चंस वगैरह भी दिया जाएगा कि कैसे आप काम करें, किस तरह के क्वेश्चन आप बनाएंगे। देखो होता क्या है कि अगर क्वेश्चन एक बेहतर सीक्वेंस में हो, मतलब जैसे बहुत सिंपल सिंपल, उससे थोड़ा टफ, धीरे धीरे टफ क्वेश्चन की ओर जाओगे तो तुम सीख भी जाते हो और तुमको दिक्कत भी नहीं होता है, तुमको पता भी नहीं चलता है। जैसे मान लो तुम कोई बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे रहते हो और उसमें जो स्टेयर बनाया हुआ है वो स्टेयर का हाइट कुछ ज़्यादा रख लिया गया है। मान लो जनरल स्टेयर बनता है 6 इंच का और तुम्हारा 12 इंच का कोई स्टेयर बना दिया है। अब तुम एक बात सोचो, जब तुम तीसरे फ्लोर तक आओगे सीढ़ी से चढ़ते हुए तो ऊपर आते आते तुम बहुत थक जाओगे। कुछ लोग तो बीच रास्ते से ही उतर जाएगा कि बाप रे ऐसा सीढ़ी पे हम नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन वही स्टेयर 6-6 इंच का बना दिया जाता है तो 3 के बजाय तुम 4 फ्लोर 5 फ्लोर भी चढ़ जाते हो तो उतनी थकान नहीं होती है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे क्वेश्चन का अगर सीक्वेंस बेहतर नहीं हो, पढ़ने का तरीका बेहतर नहीं हो, तो हम साधारण बात में ही इतना थक जाएंगे, मेरा सारा ऊर्जा समाप्त हो जाएगा और फिर हम काम को नहीं कर पाएंगे। तो अब जो है हम तुम लोगों को जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वैसे अलग अलग जो बुक्स है वो अलग अलग टॉपिक को लेता है, कोई मैथमेटिकल टूल से स्टार्ट करता है, एरर मेजरमेंट स्टार्ट करता है, ठीक ना। हम लोग जो है अभी स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक को, उस टॉपिक को बोलते हैं वेक्टर। चलो थोड़ा बहुत ही सही 9th-10th class में वेक्टर को तुम पढ़े हो। अब देखो फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटीज़ को तुम जानते हो, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का नाम सुना, अब ये फिजिकल क्वांटिटीज़ किसको बोलते हैं, जैसे नाम सुना है ना भाई, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो तुम जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का नाम सुने हो उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक को हम लोग वेक्टर बोलते हैं और दूसरे को स्केलर बोलते हैं, ठीक ना। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, कौन कौन, एक वेक्टर, ठीक ना, एक हम लोग बोले वेक्टर और दूसरे को बोले स्केलर। देखो कैसे समझ पाएंगे कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है कि स्केलर है, तो हम लोग बोलते हैं कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। मतलब क्या हुआ भाई, जैसे मान लो हम यहां से चले, सपोज करो हम 2 मीटर आगे बढ़े, तो ये जो 2 मीटर है ये हो गया मैग्नीट्यूड, है ना। और मान सपोज करो इस डायरेक्शन को ईस्ट बोल रहे हैं तो पूरब की ओर गए, ये हो गया डायरेक्शन, यानी कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका मैग्नीट्यूड कितना, 2 मीटर, और डायरेक्शन किधर, ईस्ट में, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी हुआ, तो वेक्टर क्वांटिटी हुआ, है ना। जिस फिजिकल क्वांटिटी, जैसे तुमसे कोई पूछे कि बतलाओ जी इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो जाहिर है तुमको ये भी बताना पड़ेगा कितना मीटर गया और किस डायरेक्शन में गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट में हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक ना, फोर्स हम लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो कोई पूछेगा ना फोर्स लगाए 10 न्यूटन का किस डायरेक्शन, 10 न्यूटन इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, आप 10 न्यूटन किधर लगाए, तो बोले 10 न्यूटन अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन और डायरेक्शन किधर, अपवर्ड, यानी कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। लेकिन कोई कहेगा तब स्केलर किसको बोलेंगे, बोलेंगे जैसे मान लो कोई चीज़ का मास देखना,
तुमसे कोई पूछा स्पेन का मास कितना है, तो तुम बोला पेन का मास है 20 ग्राम, क्या ऐसा भी बोलोगे 20 ग्राम ईस्ट में, ऐसा सुने हो गया। तुमसे कोई पूछे तुम्हारा वजन कितना है, तुम क्या बोलोगे 60 kg पूरब की ओर, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब कि मास जो है वो कैसा क्वांटिटी है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं। तुमसे अगर कोई पूछे भाई टाइम कितना हुआ, या ये आदमी यहाँ से यहाँ गया कितना टाइम लगा, एक ट्रेन पटना से दिल्ली गई कितना टाइम लगा, तो कहा कि टाइम लगा है 12 घंटा, तो क्या बोलोगे 12 घंटा नॉर्थ में। मतलब कि जो जब तुम टाइम बोलते हो तो क्या उसके साथ डायरेक्शन भी बोला जाता है, तो बिल्कुल नहीं। कोई पूछे तुम्हारे घर में कितना टाइम हो रहा है, तो क्या बोलोगे कि 3 बज रहा है नॉर्थ में, ऐसा मीनिंगलेस बात करेंगे क्या? यानी कि ऐसा क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़े, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं, ठीक ना। तो स्केलर को ही पहले डिफाइन कर दे रहे हैं। स्केलर क्या है, तो बोलेंगे ए फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude, ठीक ना। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। अब जो है ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर, ठीक ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, आगे पढ़ोगे वर्क, डिस्टेंस एक्सेट्रा, बहुत सा क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे। अब चलो आओ, मेन जो है इस चैप्टर का नाम ही है वेक्टर। वेक्टर का डिफिनीशन क्या है, तो जैसा कि तुम सुने कि वेक्टर का डिफिनीशन है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, उसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसा भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है। जैसे वायर है, इस वायर में करंट का फ्लो हो रहा है, मान लो करंट है 10 एम्पियर का और करंट इधर डायरेक्टेड, यानी करंट का मैग्नीट्यूड भी है और करंट में डायरेक्शन भी है, फिर भी करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो डिफिनीशन पढ़े वेक्टर का, वो कंप्लीट डिफिनीशन नहीं। कंप्लीट डिफिनीशन के लिए हम लोगों को अब इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा। एक बात याद रखना, वेक्टर जो है ना वो अलजबरा की तरह ऐड नहीं होता है, उसका ऐड करने का स्पेशल रूल होता है जिसको हम लोग वेक्टर ट्रायंगल ऑफ एडिशन बोलते हैं। तो वेक्टर का कंप्लीट डिफिनीशन ये होगा कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, साथ में वेक्टर का एडिशन का जो रूल है उसको भी वो फॉलो करे, उस रूल को फॉलो करे। यानी अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड फॉलोज वेक्टर ट्रायंगल ऑफ एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर। ओके, डिफिनीशन आप समझ चुके होंगे। अब जो है माइंड में आपका आएगा कि सर करंट को आप वेक्टर क्यों नहीं बोले, तो बोलेंगे ना कि आगे ऐसे सीखोगे, एडिशन रूल बताएंगे तो आगे एक्सप्लेन करेंगे। तुमसे अगर कोई सिंपल वे में पूछे ना कि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर क्यों नहीं होता,
तो तुम ये बोल देना कि वो ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, चूँकि वो अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करने लगता है, इसीलिए वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और कैसे वो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। वेक्टर का डिफिनेशन समझ गए, ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड फॉलोज वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर। अब देखो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, वेक्टर को हम लोग एरो से दिखाते हैं। देखो एक एरो बना दिए, सपोज करो इस एरो का लेंथ है 5 मीटर और ये इसका हेड हो गया, एरो में ये हेड बना है, ये हेड हो गया और ये टेल हो गया, है ना, ये हेड है और ये टेल है। तो ये जो एरो का लेंथ है, यहां से यहां जो लेंथ है वो इसके मैग्नीट्यूड को बतलाता है और हेड जो है वो डायरेक्शन को बतलाता है। यानी जो वेक्टर ए है, देखो ऐसे लिखेंगे ना मॉड ए, या ए लिख के एरो नहीं दो तो इसको हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक ना, क्या पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब जो है कोई पूछे तुमसे कि आखिर ये मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे 5 मीटर इसका मैग्नीट्यूड, ठीक ना, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर। अब तुमसे ये पूछा जाए कि ए का डायरेक्शन किधर है, तो बोलेंगे देखो ये जो हेड है ना जिधर डायरेक्टेड है वही हो गया वेक्टर का डायरेक्शन। अब देखो कुछ कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि सर यहाँ जो आप एरो लिखे हैं, तो बोलेंगे कि देखो ये जो है ना, समझ लो ये जो स्मॉल ए लिखा हुआ है, समझो इस एरो का नाम है, इस एरो से कोई लेना देना नहीं है। सही बात तो ये है कि बहुत सा बुक में केवल ए लिखा रहेगा, ऐसे डार्क कर दिया रहेगा, डार्क जब बना हुआ रहे ना तो समझा जाता है वेक्टर है, और लाइट लिख देने पर, हल्का लिख देने पर वो स्केलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बहुत मुश्किल काम है कि बोर्ड पर हम लोग कभी डार्क लिखे लाइट लिखे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ए के ऊपर ऐसे एरो दे दिए, ठीक ना, इसी को चाहो तो डार्क करके लिख दो, कोई एरो मत दो, तब भी बोलेंगे ये वेक्टर ए है, समझ गए। अब देखो यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 मीटर और ए का डायरेक्शन इधर है, मान लो इस डायरेक्शन को हम ईस्ट बोल रहे हैं, यानी वेक्टर ए का डायरेक्शन ईस्ट में है। अब तुमसे कोई पूछे कि एक है वेक्टर बी जो 2 × a, बताओ इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर बी जो है वो 2 × a है, इसका मतलब क्या हुआ, तो बोलेंगे इसका मतलब हुआ कि वेक्टर बी जो है वो ए का डबल है, यानी ए अगर 5 मीटर है तो बी 10 मीटर होगा, ए का डायरेक्शन ईस्ट में है तो बी का भी डायरेक्शन ईस्ट में ही होगा लेकिन मैग्नीट्यूड अलग होगा। यानी देखो कैसे दिखाएंगे, वेक्टर बी को दिखाना होगा तो एरो को हम लोग डबल लेंथ का दिखाएंगे, जैसे ये 5 मीटर का था उससे दुगना बड़ा बनाएंगे, ये 10 मीटर का हो गया। और ये जानकारी किसके बारे में दे रहा है, वेक्टर बी के बारे में दे रहा। अब जो है इससे हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे कि कोई भी वेक्टर में जब पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, तो उस वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। मैग्नीट्यूड में भले चेंजिंग होगा लेकिन डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं। अब चलो अगर तुमसे कोई कह दिया एक है वेक्टर सी जो -2 × a, इसका मतलब क्या हुआ, बोलेंगे कि देखो भाई मैग्नीट्यूड कभी माइनस में नहीं होता, कोई चीज़ का लंबाई माइनस में हो सकता है क्या, अगर तुमसे कोई कहे कितना मीटर दौड़ के आ रहे हो, तुम बोलोगे -2 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, हम लोग मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं। यानी तुमसे कोई कहे वेक्टर सी -2 × a है, तो बोलेंगे देखो भाई सी का भी जो मैग्नीट्यूड होगा
वो ए के मैग्नीट्यूड के डबल होगा, यानी ए है 5 मीटर तो सी क्या होगा 10 मीटर, और सी का डायरेक्शन किधर होगा तो बोलेंगे जिधर ए का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में। यानी क्या याद रखना है कि कोई भी वेक्टर के आगे जब हम लोग माइनस साइन लगाएंगे तो उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। यानी हाँ जी, तो हम लोग ये सीखे कि कोई भी वेक्टर में अगर पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन जब निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन उसका रिवर्स कर जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब जो है इसको इस तरह से कह सकते हो कि अगर लिखा हुआ तुमको मिले वेक्टर b इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, मान लो कोई k कांस्टेंट है, इनटू a, तो सोचो तुम अब ऐसा लिखा हुआ जैसे ही मिलेगा तो माइंड में एक बात तो आना ही चाहिए कि अगर k पॉजिटिव हुआ, ठीक ना, व्हेन k इज पॉजिटिव b इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a, यानी जिधर a का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन b का होगा, और जब k निगेटिव होगा, k इज निगेटिव देन b इज अपोजिट टू a, ठीक ना, यानी कि अगर ये माइनस रहा तो b और a एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे तुम लोग स्कूल में पढ़े होगे f इक्वल टू m इंटू a, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, इसीलिए फोर्स का डायरेक्शन हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा। जब तुम लोग 12th में पढ़ोगे एक फार्मूला f इक्वल टू q इंटू e, तो यहाँ पे q जो होता है वो चार्ज होता है, और चार्ज प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। अगर मान लो इफ q इज पॉजिटिव तब फोर्स उधर ही होगा जिधर e का डायरेक्शन होगा। अब ये e क्या है, अब ये 11th में तो नहीं लेकिन नॉर्मल वे में जानो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही फोर्स होगा अगर चार्ज पॉजिटिव हो, और अगर चार्ज निगेटिव हुआ q इज निगेटिव देन f इज अपोजिट टू e, यानी कि अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा। चलो इतना तो हम लोग समझे हैं, तो आज तो हम लोग बहुत ज़्यादा इस पे काम नहीं कर पाए हैं, केवल हम वेक्टर का डिफिनीशन सिखाए हैं और सिंपल वे में एक बात सिखाए हैं कि आपको जो है वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर उसमें पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करें निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। थोड़ा सा और एक बात बता दे रहे हैं जो अक्सर कुछ कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है, वो ये है, जैसे मान लो एक मिनट के लिए तुमको कोई लिख करके दे दिया कि एक है वेक्टर डी, बतलाओ तो इस वेक्टर डी का डायरेक्शन किधर है, तो अब तुम्हारे माइंड में आता है कि भाई एरो इधर है इसलिए इधर है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ये जो डी है वो वेक्टर का सिंबल है, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जब तक एरो नहीं बनाया जाए तब तक जो है वेक्टर को हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, मतलब वो वेक्टर नहीं हुआ। जैसे ऐसे समझो, अगर मान लो कोई वेक्टर नॉर्थ में है, नॉर्थ में डायरेक्टेड है, तो क्या कभी देखे वो लिखा हुआ एक है वेक्टर डी जो नॉर्थ में, क्या ऐसे एरो लिखा जाता है, नहीं, ये जो ए बी सी डी पे एरो लिखते हैं वो एरो हमेशा इधर ही रहता है, और ये जो एरो है वो केवल इस एरो का नाम है, इस एरो से ये नहीं समझना है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होगा, बस वो इस एरो का नाम दिया गया डी। उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक ना। तो आज जो है बहुत कम बतलाए हैं, अगले दिन फिर आगे सिखाएंगे कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है, बाय।